वर्ल्ड कप 2023 का 14वां मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत ही खराब रही। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका तीसरी ओवर में डेविड वार्नर के रूप में लगा। फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर स्टीव स्मिथ गोल्डन डक पर आउट हो गए और इन दोनों ही बल्लेबाजों को दिलशान मधुसंका ने एक ही ओवर में LBW आउट किया। 24 रनों पर वार्नर और स्मिथ के विकेट गंवाने के बाद मिचेल मार्श ने लाबुशेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला। दोनों ने 62 बॉल पर 56 रनों की पार्टनरशिप की। यह पार्टनरशिप मार्श के रनआउट से टूटी। वहीं मिचेल मार्श अपनी अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलने में नाकाम रहे। मिचेल मार्श ने वनडे वर्ल्ड कप में पहली 50 जमाई। ये उनके वनडे करियर की 18वीं हाफ सेंचुरी भी है। मिचेल मार्श ने 49 बॉल पर 50 पूरी की। उन्होंने 51 बॉल पर 101.96 के स्ट्राइक रेट से 52 रन बनाए। उनकी पारी में 9 चौके शामिल रहे। वहीं पहली पारी में श्रीलंकाई टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 43.3 ओवर में 209 रनों पर ऑल आउट हो गए। श्रीलंका की ओर से पाथुम निसांका ने 61 और कुशल परेरा ने 78 रन बनाए। इन दोनों के अलावा चरित असलंका ने 25 रनों का योगदान दिया। बाकी के खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम की ओर से एडम जंपर ने 4 विकेट हासिल किए। वहीं कप्तान पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क को 2-2 विकेट मिले। ग्लेन मैक्सवेल को भी एक सफलता मिली। वहीं आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वर्ल्ड कप से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।